वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुणांगे राज माता जिंद कौर शेखूपुरे दे किले विच कैद होण वाली गल। महाराजे दी तेज सिंह दे मत्थे उत्ते तिलक लाउणों ना करन दी जिम्मेवारी राज माता जिंद कौर दे सिर मड़ी गई। बिना शक महाराणी नूं पता सी कि तेज सिंह नूं राजे दा खिताब अंग्रेजां दी सेवा अते पंजाब नाल देशद्रोह करन करके दिता जा रहा सी। इस करके वह अपने पुत्र नूं जिसने राज नाल गद्दारी की गई सी गद्दार दे मत्थे ते तिलक लाउण दी आग्या नहीं सी दे सकदी। दूसरे पासे हैनरी लॉरेंस इस वेले तेज सिंह दा रब्बी राखा बनी बैठा सी। उसने महाराजे दी नां नूं सरकार अंग्रेजी दा अपमान बना के अपने अधिकारां दी वरतों नाल महाराणी जिंद कौर नूं झटपट किला लाहौर दे सम्मण बुरज विच कैद कर दिता। सम्मण बुरज तों जो चिट्ठी महाराणी जिंद कौर ने हैनरी लॉरेंस नूं लिखी उसकी हूबहू नकल असी हुण दस रहे हाँ। यह चिट्ठी पंजाब संबंधी अंग्रेजा की नीयत रुचि और महाराणी नाल हो रहे अन्याय की मूँह बोल की तस्वीर है। लिखतम बीबी साहेब अलारन साहेब जोग रोबकारी। असा अपना सिर तुहाडे हवाले किया सी, तुसा निमक हरामा दियां पैरां विच दे दिता सू, तुसा साडी मुनसबी ना पाई, तुहानू जो चाहिदा सी जो दरियाफ्ती करके साडे जुम्मे लगदा सो लांदे, निमक हरामा दे कहे नहीं सी लगना, तुसा वड्डे महाराज दी दोस्ती वल भी नहीं सी डिठा, तुसा मेरी अबरो लोकां तो लुहाई है, तुसा करारनामिया ते अहदनामिया उपर कुछ भी अमल नहीं किया, राजा लाल सिंह मेरा मोहतबर सी ते खैर खा ते निमक हलाल सी, सो तुसा तकसीरी करके भेज दिता तां असा कुछ नहीं तुसानू आख्या, साडे दिल विच ए गल सी जो आप साहिब साडे पास ने सानू डर किसदा है, सानू इस गल दी खबर नहीं सी, झूठियां गल्लां साडे जुम्मे ला के ते कैद चै कीता, कोई साडी लिखत दसो व कुछ साडे जुम्मे लाओ आ, फिर जे तुहाडी मर्जी हुंदी सो कर दे, इक मैं ते इक महाराज ते बाई टहलना असी सम्मण विच कैद वां, होर नौकर सब कढ दित्ते ने, असी बहुत लाचार होए हाँ, पानी ते रोटी भी नहीं आउण देंदे, इस तरह जो सानू तंग कर दिओ इस गल कोलों फांसी लगा दिओ, जे तुसा साडी अदालत कीती तां अच्छी गल नहीं तां नंदन सत्र विच फरियाद करांगे, होर जिहड़ा 2.5 लाख लाया सी ओह भी नहीं किसे दित्ता, होर जिहड़ा 4 महीनिआं दे विच खर्च कीता सी 51,100 भी गहने वेच के मिसर मेघराज नूं दे दित्ता है, किसे कोलों कुछ मंगदे नहीं सां, अपने गहने वेच के गुजारन करदे सां, बेनहिक साडी अबरों क्यों लाही, मंगला की तकसीर कीती उन्हां भी कढ दित्ता, अज महाराज साडे पास आके ते बहुत रोंदे रहे ने, आखन लगे सानू बिछन सिंह ते गुलाब सिंह डरांदे ने, जे तां महाराज नूं डर नाल कुछ हो गया तां फिर मैं की करांगी, उन्हां नूं आख्या ने तुहानू साहिब दा हुक्म है जो शाला बाग जा के उतरो, उह सुण के ते बहुत रोंदे रहे। ये जिहड़ियां गल्लां साडे नाल करदे हो किसे रजवाड़े विच भी नहीं होईयां, तुसीं गुज्जे राज क्यों सांभदे हो, जहरा होके क्यों नहीं करदे, नाले विच दोस्ती दा हरफ रख दिओ, नाले कैद कर दिओ, मेरी अदालत करो नहीं तां नंदन फरियाद करांगी, तिना चौं निमक हरामां नूं रख लो, होर सारी पंजाब नूं कतल करा दिओ, इन्हां दे आखे लग के ते मोहर अकाल सहाय बीबी जिंद कौर। इस चिट्ठी विच महाराणी अंग्रेजी रेजीडेंट दी नेक नीयती उत्ते शक करदी है अते कहिंदी है कि बिना कोई पड़ताल करन उसदे विरुद्ध कोई लिखती सबूत दसण जां कोई ऊझ साबित करन दे कैद करना अते लोकां विच बेआबरू करना परले दर्जे दा जुलम है। वह कहिंदी है कि उसने अंग्रेजां उत्ते इतबार कीता सी अते उन्हां ने नमक हरामां दे कहे ला के उसनूं कैद कर दिता। वह खुली पड़ताल की मंग करती है ते कहिंदी है कि भरोवाल के अहदनामे के मुताबिक पेंशन भी उसनूं नहीं दिती जा रही अते उसनूं अपने खर्चा नूं पूरा करन लई गहने वेचण लई मजबूर होना पै गया। उसनूं इस हद तक तंग किया जा रहा सी कि वह रोटी अते पानी तो भी औखी सी। एक पासे मां कैद विच विलक रही सी, दूसरे पासे 9 वरियां के मासूम बच्चे महाराजा दलीप सिंह नूं डराया जा रहा सी, जिस करके दुखियारी मां नूं अपने पुत्र की जान संबंधी भी खतरा जाप रहा सी। वह लिखती है जे तो महाराज नूं डर नाल कुछ हो गया तो फिर मैं की करांगी। उसनू साफ दिस रहा है कि यह जो किया जा रहा है इसकी तह हेठा अंग्रेजा की पंजाब उत्ते कब्जा करने की नीयत है अते वह साफ कहती है कि तुसा गुज्जे राज क्यों सांभदे हो, जारा होके क्यों नहीं करते। उसनू सब तो वड्डा रोस यह सी कि 3-4 नमक हराम अंग्रेजा के इशारे उत्ते पंजाब की बादशाही तबाह करन उत्ते तुले हुए हैं अते अंग्रेज इन्हां नमक हरामां दे आखे ला के अन्याय अते अत्याचार करी जा रहे हैं। इस करके दुखी दिल नाल उह चिट्ठी दे अंत विच कहिंदी है तिना चौं निमक हरामां नूं रख लो, होर सारी पंजाब नूं कतल करा दिओ इन्हां दे आखे लग के ते। हैनरी लॉरेंस ये भी ना सह सकिया कि महाराणी लाहौर दे किले दी कैद विच ही पई रहे।
लोगों का महाराणी लई प्यार सत्कार उसकी राजसी सूझबूझ लिखत विच जोर अते सब तो वध उसकी देश भगती ते राज प्यार अंग्रेजां नूं डरा रहे सन। लॉरेंस समझन लग पिया सी कि जितनी देर महाराणी लाहौर विच है अंग्रेजां लई खतरा ही खतरा है अते उन्हां दे इत्थे पैर लग सकणे औखे हन, इसलिए वह छिब्बा पिया होया बहाने ढूंढ रहा सी। महाराणी उत्ते दोष लाया गया कि तेज सिंह नूं मारन दी गोंद दा उसनूं पता सी, पर बिना किसी सबूत के गवर्नर जनरल ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उचित न समझिया, पर राजसी कारणा की आड़ विच उसनू लाहौरों बाहर भेजने की आग्ञा दे दी। 19 अगस्त 1847 की सवेरे महाराजे नू लाहौर के किले विचले शाही महल तो 3 मील ते शालामार बाग भेज दिता गया अते रात के 8-9 बजे के दरम्यान फौजी पहरे हेठा महाराणी नू शेखूपुरे के किले विच भेज दिता, जिथे वह 20 अगस्त नू तड़के पहुंची। महाराणी नू शेखूपुरे कैद करके अंग्रेजों नू मौका मिल गया कि वह जिवें चाहुण महाराजे नू सिखाउण पढ़ाउण। इस दे नाल कौंसल उत्ते भी रेजीडेंट दा दबदबा जम गया ते कौंसल दे मैंबर इतने डर गए कि अगे नू किसे भी उसदी मर्जी दे विरुद्ध कोई सलाह देण जां गल करन दा हिया ना रहा। अगले एपीसोड विच जाणांगे कि पुत्तर दे विछोड़े विच विलक रही महाराणी ने शेखूपुरे दे किले विचों इफजी रेजीडेंट जान लॉरेंस नू की चिट्ठियां लिखियां सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।